هم ديسكفري يونيفرس ده بروجرام رايت اللي كسر اي ممتاز. आज का एक खसूसी प्रोग्राम है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, वाकई करबला। आज के प्रोग्राम में हम इस पर रोशनी डालेंगे और हमारी मौजूदा सूरत हाल, हमारा मुआशरा, इस्लामी दुनिया कहाँ पर खड़ी है और वाकई करबला की रोशनी में हम किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर इंसान बन सकते हैं और तारीख इंसानी की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और जो फलसफा है करबला का, जो फलसफा है शहादत का, उसको हम आज के प्रोग्राम में अपने मौजूद मेहमानों के साथ डिस्कस करेंगे। हमें आज के प्रोग्राम में, हमारे इस खसूसी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुख़ारी साहब ने। अल्लामा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली बकार कादरी साहब ने, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के ज्वाइन किया। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुख़ारी साहब गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं और जैसा कि मैंने मुख्तसर प्रोग्राम के इब्तदाइये में कहा, और मैंने इब्तदाइये को मुख्तसर भी इसी वजह से रखा क्योंकि हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप हमें बताएं और हमारे देखने वाले सुनने वालों तक जो मैसेज कोई पहुंचे, जो फलसफा है इसको हम समझें, जो क्लैरिटी है वो हमें मिले, जिन हम तकसीम, जिस तरह की डिविजन्स में हम पड़े हुए हैं, जिस तरह से हम तकसीम हुए हुए नजर आते हैं, उस तकसीम को हम कम करें, खत्म करें। जी हाँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वला आलिही वसहबिही अजमाईन, अम्मा बाद, फऔज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरे प्यारे भाई जनाब अली मुमताज़ साहब, मैं आपका और आपके अदारा न्यूज़ वन का इंतहाई शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस अहम प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम इंतहाई रूह परवर है, उसमें शरीक होने का ये एज़ाज़ बख्शा। यकीनन सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहि सलाम, उनकी बातें करना और उनकी अजीम शहादत, उस पर गुफ्तगू करना, फिर उसके जो मकासद हैं, आला पाकीज़ा अहदाफ हैं, हिकमत है, फ़लसफ़ा है, उसको ज़ेर बहस लाना, मैं समझता हूँ ये इतना रूह परवर, ईमान अफरोज, बसीरत आमेज़ ये काम है। और जो ज़िंदगी की घड़ियाँ, लम्हात, आपका ज़िक्र ख़ैर करते हुए, आपकी बातें करते सुनते हुए, मुसलमान की ज़िंदगी का हिस्सा सर्फ हो जाता है, कट जाता है, वो बिलाशुबा ज़िंदगी का हासिल और सरमाया बन जाता है। शायर ने बिलाशुबा इसी हवाले से हमारे दिल के जज्बात की सही तर्जमानी करते हुए कहा था कि जब उन्हें याद कर लिया तो सुबह महक महक उठी, जब उनका गम जगा लिया तो रात मचल मचल गई। सैयदना इमाम हुसैन अलैहि सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जो शहादत है करबला में, आपकी तशरीफ़ आवरी है, इसका एक पसे मंज़र है। बिलाशुबा नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम ने पहले तो हज़रत इमाम हुसैन के बारे में ये इरशाद फरमाया कि ये मेरे बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह आप भी इनसे मोहब्बत फरमाएँ, और फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे आप उससे भी मोहब्बत फरमाएं, और ये भी फरमाया कि हुसैन मिनी वना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यहाँ आपने एक बात वाज़ह कर दी कि मैं कुल हूँ, मिनी में जब ये फरमाया मैं नाना जान हूँ, ये मेरे नवासा है, मैं बाबा हूँ, ये मेरे बेटे और फरजंद हैं। इसी तरह ये फरमाया कि मैं अगर फूल हूँ तो मेरा हुसैन मेरी खुशबू है, मैं चाँद हूँ तो मेरा हुसैन मेरी चाँदनी और मेरी रोशनी है। जो आगे फरमाया वह अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, तो यहाँ मिन लिल बयान है अरबी ग्रामर के लिहाज से। आका ने यह फरमाया कि अगर तुमने किसी मौके पर, किसी ज़िंदगी के मोड़ पर मुझे देखना हो, मेरी बात समझनी हो, मेरा मौक़िफ़, मेरी राय जानना हो, तो तुमने इमाम हुसैन को देख लेना है। जो हुसैन कह रहे होंगे वो मेरा मौक़िफ़ ही बयान कर रहे होंगे। तो गोया करबला में जो इमाम हुसैन का मौक़िफ़ था, यह सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के पेश नज़र वह दीन का मौक़िफ़ था। आका ने गदीर खुम पर जो इरशाद फरमाया सही मुस्लिम के अंदर, और इसी तरह मजमा ज़वायद, ये दो बड़ी किताबें हदीस पाक की, सही मुस्लिम में आप फरमाते हैं अना तारिकुन फीकुम सकलैन,
मैं तुम में बड़ी बायासियत बड़ी वजनी दो हकीकतें छोड़े जा रहा हूँ हदायत के लिए रोशनी के लिए। फरमाया अव्वल हुमा किताबुल्लाह, पहली अल्लाह की किताब है, फील हुदा व नूर, जिसमें अल्लाह की हदायत रहनमाई मौजूद है तुम्हारे लिए, रहबरी मौजूद है, और इस तरह नूर अल्लाह का नूर है, रोशनी है, हदायत है। दूसरा फरमाया कि इसके मानी मतालिब को समझने के लिए मैं तुम्हें जो दूसरी बड़ी बाहैसियत हकीकत छोड़े जा रहा हूँ, फरमाया वो मेरे अहले बैत हैं, मेरी इतरत है। और मजमू ज़वायद के अंदर अल्फाज इस तरह कि इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, मैं अपने दो नैब छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत है। और जनाब हुसैन इतरत मुस्तफ़ा में, अहले बैत मुस्तफ़ा में ख़ुद नबी पा ने वाज़े करके फरमाया, जब आपने फ़दा अली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन व जल्ल बिकसाइम वक़ाल अल्लाह महा अहल बैती, आपने सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, फरमाया इन सब को बुलाकर नफूस कुस्सिया को इनके सर पर चादर नबूवत डालकर फरमाया था अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो ये अहले बैत जो हैं नबी पाक की इतरत जो है ये कुरान पाक की मिसल हैं। मिसल आका ने फरमाया अला व इन्नी ऊतीतुल किताबा व मिसलहुमा, अल्लाह ने मुझे किताबुल्लाह भी अता की है, मिसल किताबुल्लाह भी अता की है। एक मौका पर आपने मिसल किताबुल्लाह अपने सीरत को बयान किया है और एक बार आपने मिसल किताबुल्लाह अपनी इतरत को बयान किया है। तो गोया हजरत इमाम हुसैन जिसे नबी पाक की सीरत और आपकी सुन्नत ये कुरान पाक के मतालिब और मफाहीम को वाज़ह करती है, इसी तरह जनाब हजरत इमाम हुसैन की सीरत आपका किरदार आपका अखलाक और आपका मौकफ और आपकी फ़िक्र ये भी कुरान पाक के मतालिब और मफाहीम को वाज़ह करती है। और याद रखिए आका ने यहाँ ये भी फरमाया था मजमू ज़वायद में जो रवायत मौजूद है हदीस पैगम्बर मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलई यतफर्रका, और एक अल्फाज यूँ हैं लई यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौज, कुरान और मेरे बेटे हुसैन और मेरी इतरत ये इकट्ठे रहेंगे जब तक ये मेरे पास हौज़े कौसर पे नहीं पहुंच जाते। तो यकीनन करबला में जब आप पहुंचे हैं तो कुरान आपके साथ था, आप कुरान का मौक़िफ़ लेकर पहुंचे थे, दीन का मौक़िफ़ लेकर पहुंचे थे, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आका ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे ये बेटे जन्नती सिर्फ नहीं है, जन्नती नौजवानों के सरदार बनकर जन्नत में जाएंगे। यानी जिस नौजवान ने जन्नत में जाना है वो इमाम हुसैन के रास्ते पे चलकर उनको अपना सैयद मानकर उनको अपना कायद रहबर रहनुमा तस्लीम करेगा तो वो जन्नत में जाएगा। तो गोया जन्नत का रास्ता तो आपके पास था, जन्नत का मौक़िफ़ तो आपके पास था। हमारा सारा दीन क्या है, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, रोज़ा क्यों रखते हैं, हज क्यों करते हैं, कुरान पाक की तिलावत क्यों करते हैं, नेकियाँ किस लिए कमाते हैं, इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए और हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत अता कर दे। तो इमाम हुसैन तो जन्नत के सैयद हैं, सरदार हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया हमें यह पैगाम दे दिया कि जिधर हजरत इमाम हुसैन खड़े होंगे कुरान का वो रास्ता होगा, वो साइड कुरान की साइड होगी, वो जन्नत का हिस्सा होगा। तो आपने हमें जन्नत की तरफ बुलाया। आज हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फर्जंद और बेटे का जो किरदार है करबला में उससे असबाक सीखने हैं। मुझे यहाँ पर पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर इल्मी शख्सियत याद आ रही है जिनका नाम था हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊ गदनवी रहमतुल्लाह अलैह, जो पाकिस्तान की पहली असम्बली के मेंबर भी थे और बहुत इल्मी दुनिया का एक बड़ा नाम था। उन्होंने एक किताब मुरतब की, उस किताब का नाम ही बड़ा रूह परवर है, वो लिखा है उन्होंने किताब का टाइटल उस्वा इमाम हुसैन अली सलाम। हमने उस्वा नबविया तो सुना है, उस्वा इमाम हुसैन अली सलाम ये उस किताब का टाइटल है कि हजरत इमाम हुसैन का किरदार हमारी उस्वा हसन है, हमारी ये बेहतरीन नमूना है। तो आपने सबसे पहले वहाँ हमें जो पैगाम दिया है वह है इखलास और लिल्लाहियत का, कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिक अमरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और दूसरा आपने हमें जो वहाँ पर पैगाम दिया है और आपकी शहादत का जो दूसरा एक बड़ा मकसद है और हदफ है और हमारे लिए दर्स और नमूना और हमारे लिए एक बहुत बड़ी बसीयत और हिकमत है और हमें एक बहुत बड़ा दर्स दिया गया, वो ये था इत्तबाए मुस्तफ़ा, इत्तबाए शरीयत मुस्तफ़ा, नबी पाक सल्लम की शरीयत को बाला दस करना और आपके नक्शे कदम पर चलना, आपके उसवे हसना को अपनाना। और तीसरी बात इस्तकामत अलद्दीन, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो अल्लाह के दीन पे कायम हो गए और इस्तकामत के पहाड़ बन गए, फिर दुनिया की कोई ताकत और कोई खौफ
कोई उनको वहां से ना हटा सका ना कोई लालच उनके कदमों में रुकावट बन सका। जिस तरह शायर ने कहा था, सदाकत बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता, उतर सकता है सर खुददार का मगर झुक नहीं सकता। और तीसरी बात, आपने ये वादा कर दी कि ये जो जीत और फतह और शिकस्त और नाकामी और कामयाबी के मियार हमने बनाए हुए हैं, ये हकीकी मियार नहीं है। असल हकीकत कामयाबी की ये है, असल नाकामी ये है जो अल्लाह और रसूल ने पैमाने हमें अता किए। और वो पैमाने क्या हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ना तख्तो ताज में, उस वक्त तख्तो ताज दुश्मन के पास था, यजीद के पास था, उमर बिन साद बिन अबी वकास के पास था, रदी अल्लाह अनु सहाबी रसूल के बेटे है ये बदबख्त उमर जो है, और बैदुल्ला बिन ज़ियाद और शिमर इन बदबख्तों के पास था इकतदार, लेकिन इधर इकतदार नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, न तख्तो ताज में न लश्कर व सिपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है, सनम कदा है जहाँ और मर्द हक है खलील, यही वो नुक्ता है जो पोशीदा ला इलाह में है। और चौथी बात, आपने ये वादे की, हम अल्लाह की तौहीद का झंडा लेके मैदान करबला में पहुँचे हैं, और वो तौहीद इस अंदाज से थी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा कराम और रुफका और तलामीज़ार अपनी उम्मत को पैगाम दिया था कि इखराजुल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद, बंदों को बंदों के ग़ुलाम नहीं रहने देना, बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर एक सच्चे अल्लाह के ग़ुलाम बनाना है। जो जबर था और जो फिक्र पर पहरे बैठा दिए गए थे और हुर्रियत छीन ली गई थी, जबर था तसल्लुत था, उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन अली मुकाम ने आवाज़ बुलंद करके ये पैगाम दिया, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं, जिंदा कुव्वत थी ज़माने में यही तौहीद कभी, आज क्या फ़कत एक मसला इल्मे कलाम, रोशनी ज़ो से अगर ज़ुल्मते करदार हो। क्योंकि आपने फतह और कामयाबी की शिकस्त की आपने बात की, और फिर आपने उसको रिलेट किया कि हमारे लिए नाकामी क्या है, फतह और कामयाबी क्या है, और फिर तख्तो ताज की आपने बात की, तो क्या वजह है कि आज कल अगर हम अपने दाएं बाएं नजर दौड़ाएं तो शाम तक, शाम से लेकर रात तक और फिर सुबह हो जाती है, कि इसी जुस्तजू में सारा वक्त सर्फ हो जाता है, लेकिन जो इसके असल सही माने हैं, असल कामयाबी के, पता के या शिकस्त के, हम उससे दूर हैं। बिला शुबा आपने बहुत खूबसूरत बात की तरफ मुतवज्जे किया, बहसियत मुसलमान इस बात की हम पाबंद और मुकल्लफ हैं कि हम वही मियार और उन्हीं उसूलों को और उन्हीं उसी मेज़ान को समझें जो अल्लाह रसूल ने हमें अता किया है कामयाबी और नाकामी का। अल्लाह और रसूल के नज़दीक कामयाबी क्या है, सहाबा कराम के कितने वाकयात हैं कि वो शहीद हो रहे थे, ज़मीन पे गिर रहे थे ज़ख्मी हालत में, और ज़ुबान से कह रहे थे, फुज़्तु रब्बिल काबा, मुझे काबे के रब की कसम है, मैं जान की बाजी लगा कर मैं कामयाबियाँ पा रहा हूँ। तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह के फ़ज़ल रहमत के साथ दुनिया के अंदर पाक फ़ौज हमारा एक ऐसा इदारा है कि जिसके एक एक सिपाही और एक एक फ़ौजी इसी जज्बे के साथ, जिनका नस्बुलैन ये ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की सरबुलंदी, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और एक इस्लामी मुसलमान रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसी जज्बे के साथ खड़ा है जो हुसैनी जज्बा है, जो आपके रुफ़क़ाए किराम का जज्बा है। और वह जज्बा क्या था कि हम ये सिर्फ दुनियादारी की खातिर ये सारा कुछ नहीं करते, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, फरमाया कि हम तो मदद उनकी करते हैं जो अल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। तो यकीनन हम अल्लाह के लिए निकलते हैं, और ये हमने इमाम हुसैन से सीखा है, हमने ये लिल्लाहियत वहाँ से सीखी है। और इसी तरह मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐ मीरे सिपा, मैंने तेरी सिपा देखी है, कुल हुवल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। आज हमें कुल हुवल्लाह का जो अकीदा इमाम हुसैन और उनके नाना जान और उनके रुफ़क़ाए किराम ने, सहाबा किराम अहले बैत अत्तहार ने हमें कुर्बानियाँ देकर, बहुत बेशुमार कुर्बानियाँ देकर, जिद्दोजहद करके हम तक पहुँचाया, हम उस अकीदे की कदर कीमत को समझें, हम उसकी नेमत को समझें कि कितनी बड़ी नेमत है। और आज उसी नारे पर, आज उसी अकीदे पर अल्लाह के फजल करम से दुनिया के ये बेहतरीन मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इल्लाह, उसी नारे की बरकत से मार्ज़ वजूद में आया है। तो आज हमने उसी हुसैनी जज्बे के साथ
इसको संभालना है और हमने इसकी कदर करनी है। और हजरत इमाम हुसैन ने ये अपनी नूर बसीरत से नबी पाक ने जिसके बारे में फरमाया इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंसुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन नूर अल्लाह के नूर की बसीरत के साथ देखता है, आने वाले हालात के इदराक एहसास पहले करता है। तो आपने जो इदराक एहसास फरमाया वो ये था कि यजीदी तर्ज हुकूमत ये उम्मत की सफ़ों में इंतशार पैदा कर देगा, ये खलफशार पैदा कर देगा, इस्लामी मुआशरे के अंदर इसमें हलाल और कमज़ोरी पैदा कर देगा, कत्लो गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। ये आपने उसका इदराक एहसास फरमाया और फिर बाद में सिर्फ 1.5-2 साल के अंदर अंदर उम्मत ने देख लिया अपनी आंखों से, इंसानियत ने देख लिया अपनी आंखों से कि 5,000 सहाबी रसूल हजरत सलमान खुदाई रदी अल्लाह तआला की क़ियादत में इराक से लोग खड़े हुए और इसी तरह फिर मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम और ताबईन इसी तर्ज हुकूमत से बेजार होकर खड़े हुए और हर्रा का इतना शदीद तरीन किस्म का इस्लामी तारीख का वाकया रूनमा हुआ। फिर उसके बाद अहले मक्का ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की क़ियादत में इसी हुकूमत से बेजारी का जब इजहार किया और फिर उन्होंने वहाँ पर बैतुल्ला की भी हुरमती की यजीदी फ़ौज ने, तो यकीनन ये वो चीज़ें हैं। आज हमें ज़रूरत इस बात की है हम हुसैनी मकसद को समझे कि उम्मत की सभा में इत्तेहाद हो, ये मुत्तहिद हो। आज पाकिस्तानी कौम को खास तौर पर इस सबक को याद करने की जरूरत है कि ये 24 करोड़ आवाम ये अपनी सभा में इत्तेहाद पैदा करें। फिक्री जंग का दौर है, फिफ्थ जनरेशन वार से हम गुजर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो फैलाई जाती हैं अफवाहें और इस तरह की बेबुनियाद खबरें, इनसे इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करके उम्मत को मजहबी तौर पर, नजरियाती तौर पर हर लिहाज से हमने मुत्तहिद रखना है और अपने जो दिफाई इदारे हैं उनके पुश्तीबान बन के उनके हाथ मजबूत करने हैं। और हमने दुश्मन को और बादल को ये पैगाम देना है कि ये वही लोग हैं जो हजरत इमाम हुसैन की जहाँ मोहब्बत के वारिस हैं, आपकी अकीद के वारिस, वहाँ आपकी बसीत के वारिस भी हैं। मुझे एक वक्त देना है रामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ भी। नाज़रीन ब्रेक के बाद इस वक्त आप कहते हैं शामदी हफ्ते से पहले आप रामा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। अब गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हुए हमें आज के प्रोग्राम में ये खुसूसी प्रोग्राम है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर अली वकार साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर अली वकार कादरी साहब, डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर से पहले आपने रामा साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं चाहूँगा कि हर आम आदमी तक हमारा जो पैगाम है या जो फलसफा है उसको हम वादे तरीके से पेश कर सकें, तो जो हमारी मौजूदा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारे हालात वाकियात हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं या उम्मत मुस्लिमा के हैं ऑन द होल, उसकी रोशनी में गुफ्तगू करते हुए इस फलसफे को बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब। देखिए सर, जो एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है ना जो हम सबको समझने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर इस मुहर्रम अल हराम और शहादत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तनाजुर में, वो कामयाबी और नाकामी का मेयार है। जब जिस कौम का, जिस उम्मत का, जिस फ़र्द का और जिस माशरे का मेयारात जब बदल जाते हैं ना, तो चीज़ें दुरुस्त सिमत में भी जाएँ तो वो गलत नतीजे पैदा करती हैं। ग़ुलाम कौम बेसिकली हम आज़ाद तो हो गए हैं लेकिन हम अभी तक हकीकी तौर पे तो ग़ुलाम हैं, ज़हनी ग़ुलामी भी है और फिर ग़ुलामी की एक्चुअली भी कई सूरतें हैं, सियासी ग़ुलामी भी है, जागीरदाराना निज़ाम भी है, ये सब कुछ है। लेकिन चले हम उनको छोड़ते हुए हम सिर्फ फ़िक्री जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है उस पर बात करते हैं। मेयारात का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। मसलन आप देखें ना, आपने किसी को 1 किलो कोई शय देनी है और आप वो 1 किलो का एक रखते हैं लोहे का, वो बना हुआ जो एक स्टैंडर्ड है, बेंच मार्क है, अगर आप उस बेंच मार्क को ही ख़राब कर देंगे तो आप चाहे इधर सब्जी तोलें, दूध रखें, मतलब चीनी रखें, चावल रखें, जो भी रखेंगे वो ख़राब तुलेगा। क्यों तुलेगा? क्योंकि आपने मेयार को ख़राब कर दिया है। तो हमारे यहाँ कामयाबी और नाकामी का मेयार ख़त्म हो गया है। उसके अंदर दीन की दूरी भी है जो ख़त्म हो गया है, उसके अंदर मादियत भी है और उसके अंदर अदल व इंसाफ़ का जो हमारे माशरे में हाल है वो भी है। जिसको जो मयसर आता है वो उसी वक्त लेने की करता है, ना वो सही देखता है, ना गलत देखता है, ना हलाल देखता है, ना हराम देखता है। असल मेयार क्या होना चाहिए कामयाबी और नाकामी का, वो ये है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं, हक के साथ हैं, तो आप कामयाब हैं। ये है इमाम हुसैन का पैगाम।
अगर आप हक ही कामयाबी है, यह है इमाम हुसैन का पैगाम। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ यह है कि हमें कामयाबी और नाकामी नताइज के साथ जोड़ के रखी है। अगर नतीजा आपकी फेवर में है तो आप कामयाब हैं, ये डेफिनेशन है, और अगर नतीजा आपकी फेवर में नहीं है तो आप नाकाम हैं। डॉक्टर अली मुख्तार काजी साहब, कल के लिए माजरत, आपने कुछ आम नुकता चूंकि उठाए हैं तो मैं यहाँ पर एक इजाफी सवाल आकर मैं चाह रहा था कि आप उसमें शामिल कर लें अपने जवाब में। आपने भी हक की बात की है, अगर हक के वसूल के लिए किसी को अपनी जिंदगी गंवानी पड़े या जिंदगी को दाव पे लगाना पड़े तो क्या उस हक के वसूल के लिए उस महज तक जाना मुनासिब है? जी हाँ, देखें दो रस्ते हैं आपके पास, हमेशा से दो रास्ते इस्लाम ने बताए हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी ने बताए हैं और जो इंटरनेशनल जो हमारे पास थ्योरीज हैं उन्होंने बताए हैं। एक रास्ता होता है राह रुखसत। आप देख रहे हैं गली में, आपकी गली में आपके घर के बाहर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, ज्यादती हो रही है और आपके साथ चूंकि नहीं हो रही लिहाजा आप अपने आप को सेफ रखें और आप समझें कि आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको जाके रोक सकें, तो आप अपने घर में अपने आप को महफूज रखें। इसको राह रुखसत कहते हैं, इसकी भी इजाजत है लेकिन ये सबसे छोटा दर्जा है। जालिका अज अफुल ईमान, सही मुस्लिम में है कि ये ईमान का सबसे ज़ईफ़ तरीन दर्जा, अज अफुल ईमान कमज़ोर तरीन दर्जा है। और दूसरा रास्ता होता है राय अजीमत। राय अजीमत में ये नहीं देखा जाता कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि आप हक के रस्ते पर हैं और सामने बातिल है, बस यू हैव टू टैकल द बातिल, आपने उससे फिर टकराना ही टकराना है, फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं होती। इस्लाम ने राय रुखसत की इजाज़त दी है लेकिन सोचिए अगर हर बंदा ही राय रुखसत पर चले तो फिर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कौन करे, फिर माशरे के अंदर ये तबाही और बर्बादी को कौन रोके? सब लोग राय रुखसत पे चले, क्या हज़रत इब्राहिम ने राय रुखसत अख्तियार की? नहीं की। आज भी इब्राहिम का नाम जिंदा है। जब सब राय रुखसत पे चले तो क्या हज़रत मूसा ने राय रुखसत अख्तियार की? नहीं की, टकरा गए, आज भी नाम जिंदा है। हुसैन ने भी राय रुखसत अख्तियार नहीं की बल्कि राय अजीमत अख्तियार की, नाम उन्हीं का जिंदा रहता है, तारीख उन्हीं को याद रखती है, वक्त का धारा वही बदलते हैं जो राह अजीमत पर चलते हैं, राय रुखसत पर नहीं चलते। तो ये देखें अगर आपका तकवा, आपकी फिक्र इतनी डिटरमेंट है कि आप हक के लिए अर्शा कुर्बान करने के लिए तैयार हैं तो आपको कोई रोक नहीं रहा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी पोजिशन क्या है, आपका हक के लिए स्टांस क्या है। इमाम हुसैन का हक के लिए स्टांस ये था। देखिए एक और बात मैं यहाँ अर्ज करता जाऊं, ये सारी हक को बातिल की गेम है। आप यजीद के क्यों खिलाफ हैं या मैं क्यों खिलाफ हूं? पता है हम क्यों खिलाफ हैं? हम यजीद के खिलाफ इसलिए, हम समझते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल किया। अब मुझे एक बात बताइए, इमाम हुसैन यजीद के क्यों खिलाफ थे? उस वक्त तो इमाम हुसैन शहीद ही नहीं हुए थे, मैदान करबला बर्पा ही नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो क्या था जिसकी वजह से हुसैन यजीद के खिलाफ थे? हम तो इसलिए हैं कि उसने हुसैन को मार दिया, हुसैन तो इसलिए नहीं थे क्योंकि अभी तक तो हुसैन शहीद नहीं हुए थे अलैहिस्सलाम। वजह क्या थी? वो असल कदरें थीं जो इस्लाम की कदरें थीं, जो इस्लाम की मुआशी कदरें हैं, जो इस्लाम की अखलाकी कदरें हैं, जो इस्लाम की मुआशरती कदरें हैं, जो हजूर अलैहिस्सलाम लाए, जिसको खुलफाए राशिदीन ने मजबूत किया और हज़रत मौला अली के बाद फिर मलुकियत ने उसको कमज़ोर किया और बिल आखिर यजीद ने उन पूरी कदरों को मिलिया मेट कर दिया। इमाम हुसैन का इख्तलाफ वो हक की कदरों को जिंदा करना था। हाँ, ये उसकी बदबख्ती में इजाफा हुआ कि उसने हुसैन अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया, मगर असल इख्तलाफ ये नहीं है। असल इख्तलाफ ये है कि वो उस दीन की कदरों को पामाल कर रहा था और दीन कदरों का नाम है। हमने अब नमाज रोज़े का नाम रख लिया दीन। हर दीन जब आता है तो उसके अंदर कुछ इबादात का एक पैराडाइम होता ही होता है। अब बदकिस्मती ये हुई, जब से मसलक आए हैं, जब से ये मसलक को दीन बना के पेश किया गया है, जो छोटे छोटे घड़े हैं उनको पूरा समंदर समझने लग गया है, उस बाद से क्या हुआ है, जब आपकी इबादत का निज़ाम इसको दीन समझने लग गया है। दीन तो पूरी कदर कोड ऑफ लाइफ होता है, इबादत तो दीन के एक जुज्व है। तो लिहाजा हमें कई जिहतों से अपने मेयारात को दुरुस्त करना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि दीन क्या है, दूसरा फिर ये समझना है कि हक क्या है, तीसरा फिर ये समझना है कि हक ये नहीं है कि कामयाब हो जाएं आप जाहिरी और फिर हक को, क्योंकि हक की जिद्दोजहद नताइज से बेनियाज होती है, ये जेहन में रखें। हक में कामयाबी, कामयाबी हक की नज़र में यही है कि आप हक के साथ हैं, बस आप जीतते हैं या हारे हैं, हक को इससे गर्ज नहीं है। अगर आप मेरे फलसफे से इख्तलाफ करें तो मुझे जवाब दीजिए, हज़रत नूह को नाकाम कहेंगे? 950 साल में 80 या 81 बंदा आ रहा है उनके पास। हज़रत याहिया को नाकाम कहेंगे कि उनको पकड़ के आरे से चीर दिया जा रहा है? इमाम हुसैन को नाकाम कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो हमें एक सिस्टम मिला है उसमें हक और बातिल की ये तारीफें हैं।
डॉक्टर साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी जी आ रही है। जी डॉक्टर साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। नाजी हमारे साथ थे। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए वक्फे से पहले खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे डॉक्टर अली बकार कादरी साहब, और हमारे साथ अलामा जयाउल्लाह शाह बुखारी साहब भी हैं। अलामा साहब, वक्फे से पहले अली बकार कादरी साहब की जो आपने गुफ्तगू सुनी, और उस गुफ्तगू में जो हक की बात अली बकार कादरी साहब की तरफ से हुई वो भी आप तक पहुंची, ये बताइए। और साथ में फिर उस पर कनेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हम दरअसल ये सोच कर समझ कर बैठ जाते हैं, या हमारा जो किसी के लिए आवाज उठाने का या हक के लिए, हक के रसूल के लिए किसी को मदद फराहम करने का या उसकी आवाज में आवाज मिलाने का जो हमारे पास तरीकेकार है, जो जिस तरह से हम उसको असेस करते हैं, वो ये है कि जी जब तक हम खुद उसमें नहीं है या हम उससे खुद मुतासर नहीं हो रहे हैं तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं होता, या हम उससे मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, उसकी मदद करने के बजाय उससे कई कदम पीछे चले जाते हैं। तो ये बताइए कि क्या ये सोच भी दुरुस्त है कि ठीक है अगर कोई हक पर है, अपने हक के लिए आवाज उठा, क्या आप उसके रास्ते में रुकावट ना बने, पर चूंकि वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी है, आपको अपना नफा नुकसान सोचना है, आपको अपने अतराफ के हालात को देखना है, तो लिहाजा आप उसके रास्ते में रुकावट ना बने लेकिन उसके मददगार भी ना बने। नहीं देखिये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस मामले में बड़ी वाज़ह तालीम इरशाद फरमाई है। आप फरमाते उनसुर अखाक ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो अगर वो मज़लूम है तो तब भी, ज़ालिम है तो तब भी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने बड़ी हैरत से अर्ज किया कि मज़लूम अगर हो हमारा भाई, उसकी मदद करना तो हमें समझ आई कि ये इस्लाम की तालीम है तो जुल्म का खात्मा करो और मजलूम का साथ दो, लेकिन अगर वो जालिम है तो फिर उसकी हम मदद कैसे करें। तो आपने फरमाया कि उसको जुल्म से मना करो, इसलिए कि जो जुल्म का बुरा अंजाम जिससे वो दो चार होने वाला है उससे उसको महफूज करने की कोशिश करो, ये उसकी मदद करना है। तो गोया हमें तो इस्लाम ने एक बुनियादी ये भी तालीम दी है कि जालिम जो है उसको भी बुरे अंजाम से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह वाले तो हमेशा इसी रुख नजर से सोचते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अली सलाम का जो किरदार है वो इस हवाले से जरा परखें, वो एक जालिमों को जुल्म से रोक कर एक तो मजलूमों को उनके जुल्म से बचाना चाहते थे, अल्लाह की धरती को और इस्लामी रियासत को, मदीना जैसी रियासत को वो जुल्म सितम और बेइंसाफी से महफूज रखना चाहते थे, और उसके साथ साथ वो खुद जालिमों को भी बुरे अंजाम से महफूज देखना चाहते थे। दूसरी बार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगयिर बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिकल्बिही वज़ालिक अज़अफुल ईमान। जो तुम में से कोई मुनकर देखे, बुराई देखे और अल्लाह की बगावत देखे, नाफरमानी देखे तो उसको रोके। आपने तीन दायराकार बयान फरमाए, एक फरमाया कि हाथ से रोको और अगर इसकी इस्तेताद ना हो तो फिर जुबान से रोको, अगर तुम्हारे पास इसकी भी इस्तेताद ना हो तो फिर उसको दिल से बुरा जानो। वज़ालिक अज़अफुल ईमान, और फरमाया ये कमजोर तरीन जो ईमान का हिस्सा ना वो यही है। तो यहाँ असल में आपने तीन चीजें बयान फरमाई है कि अगर आपके पास ताकत है, कुव्वत है, सलाहियत है, हैसियत है हाथ से रोकने की, हाथ से मना करने की, आपके दायरा कार में वो चीज आती है, आपकी अल्लाह ने शख्सियत हैसियत ऐसी बनाई है, तो यकीनन मुसलमान इस बात का मुकल्लफ और पाबंद है कि वो हाथ से रोके। और अगर इसकी इस्तेताद नहीं है, जैसे अल्लाह ताला के उलमा हैं, आप जैसे जो हमारे मीडिया के पर्सन हैं, एंकर पर्सन हैं और रहनुमा हैं, कौम के असातिज़ा हैं, इस तरह सहाफ़ी हज़रात हैं, ये सब के सब, और इसी तरह तो जो हमारी अपोजिशन होती है, तो इनके पास जुबान होती है, इलम होता है, दानश्वरी होती है, सलाहियत होती है, बसीरत होती है, फरासत होती है, तजर्बात होते हैं, मुशाहदात होते हैं, तजिया नगारी का मलका अल्लाह अता किया होता है। तो इसलिए इनको चाहिए कि वो अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस के मुताबिक वो इनको जुबान से रोकें और अपने तजिया पेश करें और इस तरह रहनुमाई करें और बुराई से उनको रोकें, और अगर इसकी भी इस्तेआत नहीं है तो
तो जैसे पब्लिक है, आवाम है, तो दिल से बुरा जाने, लेकिन सैयद इमाम हुसैन अली मुकाम के जो किरदार है वो बड़ा बुलंद है, वो बड़ा वाज़ह और बड़ा क्लियर है कि आपने देखा कि एक कुल काम ऐसा हुआ कि जिसको आपने बिल्कुल अल्लामर बिल मारूफ व नहीं अर मुनकर के जुमरे में देखा, चूंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पेशगोई फरमाई थी जुबान नबूवत के साथ, जुबान वही के साथ, वन नजमी इज़ा हवा बा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। आपने ये पेशगोई फरमाई थी ग़ज़वा उहुद के मौका पर, आप फरमाया कि हमज़ात इब्न अब्दुल मुत्तलिब सैयद शुहदा, हमज़ात इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया मेरे चाचा जान हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी सैयद शुहदा है, वराजुलुन क़ामा इला इमामिन जाइरिन फअमरहु व नहाहु व फक़तल, फरमाया कि एक वो मर्द मुजाहिद और मर्द मैदान वो भी सैयद शुहदा के रुतबे पे फायज होगा जो एक जालिम जाबिर हुक्मरान से टकराएगा और उसको मुकलमा हक कहेगा, उसको नेकी का हुक्म देगा, उसकी बुराइयों पर उसको टोकेगा, मगर वो जारी हुक्मरान उन्हें शहर कर डालेगा। तो फरमाया वो जो है वो भी सैयद शुहदा, ये हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम का जो अल्लाह ने रसूल मुकाम खुद बयान फरमा दिया, यजीद जैसे एक जालिम जाबर बे इंसाफ और अदल ना करने वाले हुक्मरान से वो टकराएंगे और उसको वो रह रास्त वो दिखाने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त आपने ये किरदार पेश किया इस लिहाज से भी, तो यकीन हजरत सैयद इमाम हुसैन जब निकले तो आपने इसको भी ये ऐलान फरमाया था कि मैं अल-अमर बिल मारूफ के लिए जा रहा हूँ, मैं मुनकरात से मना करने के लिए जा रहा हूँ। तो यकीन आपका जो ये तर्ज अमल था, आपने आपकी जो अल्लाह ने हसीयत ऐसी बनाई थी कि आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत इज्जत अजमत का मुकाम अता किया था, आप नवासा रसूल थे, नबी पाक सल्लम की साहबजादी के लख्ते जिगर थे, हैदर मुर्तजा मीरुल्मोमिनीन उनके साहबजादे थे, और पूरी पब्लिक के अंदर, पूरी पब्लिक के अंदर, सहाबा किराम के अंदर, ताबईन के अंदर, उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो आपकी मोहब्बत अकीदत थी, आप उसका मर्जा थे, सबकी निगाहें आपकी तरफ थी, तो इसलिए आपने अपनी उस हैसियत के मुताबिक आपने अपने उस फरीजे को अल्हम्दुलिल्लाह अदा करने की भरपूर जद्दोजहद फरमाई। और इस ज़मन में जो सल्लम ने उनको ये भी बात सुना रखी थी, चूंकि जबरील अमीन अली सलाम आए और इसी तरह बारिश का जो फरिश्ता है वो भी अल्लाह की इजाजत से नबी पाक की इजाजत और मुलाकात के लिए हाजिर हुआ और ये खबर देने आया, एक तीसरा फरिश्ता आका फरमाते लम यदखुल अलैया, जो कभी मेरे पास उससे पहले नहीं आया था, जिंदगी में पहली बार वो आया। तीन फरिश्तों ने नबी पाक सल्लम की खिदमत में अलग अलग औकात में हाजिर होकर ये आपको इतला दे रखी थी कि आपका ये बेटा, आपका ये फरजंद, इन नबना का सयुक्तल बिशक्तिल फरात, ये फरात के किनारे शहीद कर दिए जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते रहे आपकी शहादत की खबर सुनकर। तो यकीन है ये शहादत की जो बशारत थी और खबर और इतला थी, और फिर ये भी कि वो फरात के किनारे पर शहीद होंगे, ये सब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म में थी और ये आपने अहले बैत को बता रखी थी। बल्कि हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के नबी पाक सल्लम घर तशरीफ फरमा थे, जब आपके सीने अतहर पर, सीने नबूवत पर जनाब सैयदना इमाम हुसैन अलैहि सलाम फेर रहे थे, तो फरिश्ते ने आके कहा अतुहिब्बुहु, आप इस बेटे से मोहब्बत करते हैं? मेरे आका ने फरमाया नाम हाँ, मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता। तो उन्होंने कहा कि आपके ये बेटा ये फरात के किनारे करबला के मैदान में शहीद कर दिए जाएंगे, और अगर आप पसंद करें और उसकी खुशबू, उस मट्टी की खुशबू सूंघना चाहें, तो मैं आपको वहाँ की मट्टी पेश कर सकता हूँ। तो आप हमारे पास अब चूंकि कम रह गया, तो आपसे इजाजत लेना होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अली बुखारी साहब, आपसे गुफ्तगू को के कम करने का मौका मिला, तो लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अगले प्रोग्राम में भी ज्वाइन करें। नाज़रीन, आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम, इसका वक्त बस इतना ही। कल के प्रोग्राम में, कल एक और खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, इसमें मजीद बात होगी इस अजीम कुर्बानी, इंसानी कुर्बानी के हवाले से, जिसकी दुनिया में कहीं पर मिसाल नहीं मिलती। कल के प्रोग्राम में भी हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। धन्यवाद।